हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योत्सना'शोम। आज संडे है और कल सैटरडे को इतना ज्यादा स्नो हुआ था कि एकदम हर जगह स्नो ही भरा हुआ है और सेजल तो काफी एक्साइटेड है स्नो में खेलने के लिए, स्नोमैन बनाने के लिए। तो अभी वही वो स्नोमैन बना रही है, तो सोचा क्यों ना आपके साथ इसका वीडियो शेयर किया जाए। तो चलिए हम आपको आज का एक्टिविटी दिखाते हैं। सेजल स्नोमैन बनाने के लिए स्नो कलेक्ट कर रही है और ग्रीस भी उसका हेल्प कर रहा है। दोनों काफी एक्साइटेड है। स्नो एकदम फ्रेश है तो स्नोमैन बनाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट बनाना तो है ही। अभी सेजल के पापा हेल्प कर रहे हैं स्नोमैन बनाने में और मुझे पता है इनसे तो होने वाला है नहीं। फाइनली मुझे ही आना पड़ा स्नोमैन बनाने के लिए, तो अब मैं कंप्लीट करूंगी इसे। स्नोमैन का बॉडी स्ट्रक्चर तो बन गया है। हमने स्नोमैन का हैंड बनाने के लिए 2 स्टिक्स लिया है जो सेजल अभी लगा रही है, और उसके आईज के लिए हमने 2 ब्लूबेरीज लिया है। और उसके नोज के लिए 1 कैरेट। कैरेट हमने पतला ही लिया है ताकि नोज बनाने में आसानी हो और फेस टूटे नहीं। हमने स्नोमैन को स्कार्फ लगा दिया है। हमने डिफरेंट हैट्स लगाकर भी चेक किए, बट स्नोमैन विदाउट हैट के ही ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे पास स्नोमैन के प्रॉपर क्लोथ्स नहीं है, तो हमारे पास जो भी अवेलेबल है हम उसी में ट्राई कर रहे हैं। तो अब जाके हमारा यह स्नोमैन कंप्लीट हुआ। सेजल अब स्नो क्लीन कर रही है, उसे स्नो हटाना बहुत अच्छा लगता है। अब हम पार्क जाएंगे कुछ स्नो एक्टिविटी करने के लिए। अभी हम लोग पार्क जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना स्नो है रास्ते में। तो हमने ग्रीस को स्लेड में ही बैठा दिया है और उसको काफी मजा आ रहा है। वैसे भी कनाडा में विंटर के टाइम तो ज्यादा इंडोर ही रहना होता है, तो ये सब एक्टिविटी भी जरूरी होता है ताकि फ्रेश एयर एंड सनलाइट भी मिले। यहाँ ये तो काफी अच्छा है कि विंटर में टेम्परेचर निगेटिव होने के बावजूद भी सनलाइट रहता है।
हम लोग अभी पार्क पहुंच गए हैं और ये देखिए चारों तरफ स्नो भरा हुआ है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ अब सेजल एंड ग्रीस स्लेट से स्नो पे स्लाइड कर रहे हैं और दोनों काफी मजे में हैं। Do you like it? यहाँ बच्चे हो या बड़े हर कोई स्नो एक्टिविटी एंजॉय करते हैं। यहाँ सेजल को थोड़ा खेलने का मन है तो हमने सोचा यहाँ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर ही लेते हैं। आप देख सकते हैं सेजल कितना खुश है। तो ये था हमारा स्नो एक्टिविटी, हम लोगों ने काफी एंजॉय किया। सेजल और ग्रीस तो बहुत ही खुश थे। अभी शाम होने वाली है और थोड़ी ठंड भी पड़ गई है, ठंड भी लग रही है, तो अभी हम लोग घर रिटर्न हो रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल का अपडेट्स मिलता रहे। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।